नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए, कोई भी एक बच्चा रिप्लाई कर दीजिए। टॉपिक चल रहा था बच्चों अपना प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन के अंदर पहला टॉपिक अपन देख चुके हैं, एपी कल खत्म हो चुका है। दूसरा टॉपिक बच्चों आज स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर जीपी। जल्दी से कोई भी बच्चा एक बार रिप्लाई जरूर कर दीजिए ऑडियो वीडियो के अंदर, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते, आज ही टॉपिक है अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर जीपी, शॉर्टकट के अंदर बच्चों इसको जीपी के नाम से जाना जाता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी, हाँ जी, सेम जो कल मैंने आपके सामने एक टॉपिक रखा है बच्चों, उसी टॉपिक के ऊपर आज फिर से अपन आगे बढ़ रहे हैं। कंसेप्ट वो के वही चलेंगे, बस जीपी का कंसेप्ट बनता जाएगा, बाकी सारे कंसेप्ट वही रहेंगे। देखिए क्या क्या फॉर्मेट है। नंबर एक, आज एक सीरीज दे रखी बच्चों, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, ये सीरीज दे रखी बच्चों। कहां तक जा रही है? An तक जा रही है, और आगे बच्चों इन्फाइनेट तक भी जा सकती है, आगे इन्फाइनेट तक भी चल सकती है फॉर्मेट के अंदर। अगर A1, A2, A3, A4, An इस तरीके का फॉर्मेट दे रखा है बच्चों। एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर अपन बात करें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक रूल था, क्या डिफरेंस अगर इक्वल होता है तो एपी बनती है, पर यहां का जो रूल है ना वो है बच्चों जीपी, और जीपी ये कहती है कि रेशियो इक्वल होना चाहिए, अनुपात जो है वो इक्वल होना चाहिए। और किसका अनुपात? तो अनुपात के लिए बनता है बच्चों A2 अपॉन A1 इक्वलेंट A3 अपॉन A2 इक्वलेंट A4 अपॉन A3 एंड सो ऑन चलता रहेगा बच्चों। और ये जो आएगा इसको क्या बोलेंगे? R। और जो R बनेगा, इस R को यहां पर क्या बोला जाएगा बच्चों? रेशो। हाँ जी, ये R आपका क्या कहलाएगा? रेशो या अनुपात या सार्व अनुपात, ये सारे कॉमन डिफरेंस बोल सकते हो, सार्व अनुपात बोल सकते हो, रेशो बोल सकते हो, अनुपात बोल सकते हो, ये सारी बातें एक ही फॉर्मेट पे आएगी। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा कि अगर जीपी बन रही है, जीपी बन रही है, एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसमें जीपी हो। तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया एंड सो ऑन। हाँ जी, ध्यान से देखिए, 2 अपॉन 1 2 आएगा बच्चों, 4 अपॉन 2 2 आएगा बच्चों, 8 अपॉन 4 2 आएगा, 16 अपॉन 8 2 आएगा, 32 अपॉन 16 2 आएगा। चलिए एक छोटा सा और कंसेप्ट एग्जाम्पल बनाए, जैसे 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, हाँ जी 1000 हो गया जीपी के लिए, फिर आपका 10,000 हो गया, इस तरीके से। ये बच्चों काफी इजी है, फॉर्मेट के अंदर आप बनाए जा सकते हो, ये भी आपकी क्या है बच्चों? जीपी। क्वेश्चन को देखते ही जीपी का फॉर्मेट ये रेडी करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन ये आ गया, 1 आ गया, 1 अपॉन 2 आ गया, 1 अपॉन 2 की पावर 2 आ गया, 1 अपॉन 2 की पावर 3 आ गया, 1 अपॉन 2 की पावर 4 आ गया एंड सो ऑन। हाँ जी, इसका रेशियो बताइए। अगर बच्चों इसके रेशियो की बात करें तो रेशियो आएगा बच्चों 2, इसके अगर रेशियो की बात करें बच्चों तो इसका रेशियो आएगा 10, और अगर इसके रेशियो की बात करें तो हाफ अपॉन 1 यानी रेशियो इक्वलेंट कितना आएगा? हाफ आएगा। क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले आपको यह पहचानना पड़ेगा कि गिवन जो सीरीज है वो एपी है, जीपी है या एचपी है। सबसे पहला फॉर्मेट आपको यह पहचानना पड़ेगा कि गिवन जो सीरीज है वो एपी का काम कर रही है, जीपी का काम कर रही है या एचपी का काम कर रही है। वापस कंसेप्ट वही आ जाते हैं, कल बच्चों अपन ने फॉर्मेट बनाया क्या, के गिवन जो सीरीज है उसका नाम A1, A2, A3 एंड कितना बच्चों? N। फर्स्ट जो टर्म है बच्चों, फर्स्ट जो टर्म आपकी दे रखी है, फर्स्ट जो जर्म आपकी दे रखी है उसको मैंने बोला कि वो A है। क्या है बच्चों? फर्स्ट जो टर्म है वो क्या है? A है। एपी से कनेक्टेड टॉपिक है, फर्स्ट टर्म आपकी क्या कहलाएगी? A कहलाएगी। फर्स्ट टर्म जो है बच्चों वो आपकी A कहलाएगी। यानी अगर ये बच्चों A है, तो अगर सीरीज अपनी थी, सीरीज क्या थी? सीरीज थी 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64 एंड सो ऑन, ये थी। ये बच्चों एक एग्जांपल था जिसके थ्रू बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, इससे एग्जांपल का R अगर देखे बच्चों तो R कितना है बच्चों? 2 है।
यानी कॉमन रेशियो जो है ना वो 2 है, सार्व अनुपात जो है वो आपका कितना है 2 है, तो ये हो गया। बच्चों फर्स्ट टर्म अगर ए है, फर्स्ट टर्म कितनी है अगर ए है, तो सेकंड जो टर्म बनती है वो बनेगी ए आर। वापस सुनो बच्चों, ए यहां पर कितनी है 1 है, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो अगर मैं ए आर करूं, कल क्या क्या ए के अंदर डी को जोड़ा था, ए के अंदर डी को जोड़ा था, आज ऐसे नहीं कर रहा हूं, आज ए का मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, आर से। बच्चों आर बराबर कितना 2, अगर ए आर, ए कितना है 1 है, और अगर ए आर करूं तो बच्चों 1 × 2 कितना आएगा 2 आएगा, मतलब सेकंड टर्म आ जाएगी। पर आप ये कहते हो कि ए प्लस आर करो जैसे एपी में किया था वैसे कीजिए सर, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ए बच्चों 1 है और आर 2 है, तो कंसेप्ट नहीं बैठेगा। हाँ जी, वहां पर डिफरेंस इक्वल था, तो बच्चों डिफरेंस जोड़ बाकी बोलते अपन, हाँ जी एडिशन सब्ट्रैक्शन बोला जाता है, तो जहां पर डिफरेंस इक्वल मतलब सब्ट्रैक्शन हो रहा था तो वहां पर अपन ने ऐड किया। पर यहां पर बच्चों क्या है, रेशियो इक्वल, रेशियो का मतलब क्या हो गया, भाग देना या डिवाइड करना, तो यहां पर क्या काम आएगा, मल्टीप्लाई काम आएगा यानी गुणा काम आएगा, तो आर का यहां पर क्या करना है, गुणा करना है। हाँ जी फर्स्ट टर्म क्या है ए है, सेकंड क्या है ए आर, और आर का गुणा करे तो अगली टर्म आएगी बच्चों ए आर स्क्वायर, फिर एक और आर का गुणा करे बच्चों ए आर क्यूब। ये क्या है, फर्स्ट टर्म है ए वन है, ये क्या है ए टू है, ये क्या है ए थ्री है, फिर क्या है ए फोर है। बच्चों ऐसे चलते चलते अगर ध्यान से देखें, फर्स्ट टर्म ए ही रहेगी, सेकंड ए आर रहेगा, थर्ड ए आर स्क्वायर रहेगा, थर्ड क्या रहेगा ए आर स्क्वायर रहेगा, फोर्थ टर्म क्या बनेगा ए आर क्यूब बनेगा। हाँ जी ऐसे करके अगर मैं बोलूं कि आपको 100वें नंबर की टर्म चाहिए, ए 100 चाहिए, तो बच्चों ए आर की पावर 99। वापस आओ बच्चों, ए टू की बात करें तो ए आर, अच्छा ए थ्री की बात करें तो ए आर स्क्वायर, अगर ए 100 की बात करें तो ए आर की पावर 99। अच्छा बच्चों ए अगर 200 की मैं बात करूं तो ए आर की पावर 199। सीधा कंसेप्ट आना चाहिए, अभी याद होगा, आप सोच रहे हो बाद में पढ़ लेंगे रिवीजन कर लेंगे, कुछ नहीं चाहिए, बस अभी का अभी साथ दो, लिंक टू लिंक जोड़ता हूं मैं, लिंक से लिंक जोड़ने का काम मेरा, और इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ जी फॉर्मूला याद हो गया होगा, इन सारे कंसेप्ट को देखते हुए मुझे क्या चाहिए, एनवे नंबर की टर्म चाहिए जिसका नाम क्या है बच्चों, एन, क्या नाम है बच्चों इसका, एन, क्या चाहिए मुझे, ए एन की वैल्यू चाहिए, तो ए एन की वैल्यू की बात करें बच्चों ए फोर है ए आर क्यूब, ए थ्री है ए आर स्क्वायर, ए एन क्या बनेगा तो ए आर की पावर एन माइनस वन। हाँ जी ए आर की पावर एन माइनस वन फॉर्मूला बनाइए, क्या बोला, ए आर की पावर एन माइनस वन का फॉर्मेट आ जाएगा। चलिए पहला फॉर्मूला क्या बच्चों, ए एन निकालो, और क्या निकालो, टी एन निकालो, और क्या निकालो, लास्ट टर्म निकालो, इन सब का एक ही काम, क्या बच्चों, ए आर की पावर एन माइनस वन। हाँ जी ए एन बोलो, टी एन बोलो, एल बोलो, ये सब एक ही वर्ड बनेगा, क्या बच्चों, ए आर की पावर एन माइनस वन। हाँ जी पहला फॉर्मूला सबके समझ में आ गया होगा, फटाक से रिप्लाई कर दीजिए, पहला फॉर्मूला क्या है, एंथ टर्म निकालना, कोई सी भी सीरीज दे रखी है उस सीरीज का क्या निकालना बच्चों, एंथ टर्म, कोई भी सीरीज दे रखी है उस टर्म का क्या निकालना है, एंथ टर्म, एंथ टर्म। हाँ जी जल्दी से फटाफट, थोड़ा फास्ट, जिनका रिप्लाई आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया फटाफट रिप्लाई कर दीजिए। हाँ जी क्या बच्चों, एंथ टर्म निकालना, जीपी अगर है तो जीपी की एनवे नंबर की टर्म निकालनी, एनवे नंबर की टर्म के लिए क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म चाहिए, और अगर जीपी है तो रेशियो इक्वल होगा, और कौन से नंबर की निकालनी है, एनवे नंबर की निकालनी है, तो एन क्या होता है ये आपको अच्छी तरीके से पता है। अच्छा सौवीं टर्म निकालो तो ए आर की पावर 100 - 1 यानी ए आर की पावर 99। फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला खुद डेवलप कहां से हो रहा है, अगर वो ध्यान रखा आपने तो सारा कंसेप्ट बन जाएगा। हाँ जी सबके समझ में आ गया, फिर फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए बच्चों, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म का सम चाहिए बच्चों, सम ऑफ एन टर्म या एन टर्म का क्या चाहिए बच्चों, सम चाहिए। हाँ जी कल वाले कंसेप्ट पे वापस आ जाते हैं अपन, एन टर्म का सम चाहिए यानी एस एन। पहली टर्म क्या होती है बच्चों, ए, दूसरी टर्म क्या होती है ए आर, तीसरा क्या होता है ए आर स्क्वायर। हाँ जी चौथी टर्म क्या बनेगी, ए आर की पावर 4, चौथी टर्म क्या बन जाएगा बच्चों, ए आर क्यूब। हाँ जी ये क्या आ जाएगा आपका, ए आर क्यूब प्लस एंड सो ऑन, कितना आ जाएगा बच्चों, ए आर की पावर एन माइनस वन। हाँ जी क्या बन जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस वन, एन टर्म तक का सम चाहिए, तो लो जी ये फॉर्मेट बन जाएगा। आगे बढ़ाते बच्चों, अगर फॉर्मेट बात करें एस एन, अच्छा ध्यान से देखें बच्चों, तो ए ए ए ए सब में है, कहां तक, एन तक ए है,
एन तक आपके क्या दे रखा है बच्चों, फॉर्मेट में अंदर क्या दे रखा है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, यानी ए बार आ जाएगा, यानी बनेगा कितना बच्चों, वन प्लस ए बार आ गया, आर प्लस आर स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा, आर क्यूब, हाँ जी आगे बढ़ाते प्लस एंड सो ऑन, लास्ट बच्चों कितना बन गया, आर की पावर एन माइनस वन, हाँ जी लास्ट कितना बन गया, आर की पावर एन माइनस वन, वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस एंड सो ऑन, कितना आर की पावर कितना बन गया बच्चों, एन माइनस वन, क्या बार आ गया, ए बार आ गया, क्या बार आ गया यहाँ पर, ए बार आ गया, ए तो टोटली बार चला गया, इधर क्या हो गया, वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस आर की पावर कहां तक बच्चों, एन माइनस वन तक, ये फॉर्मेट बना। अब इसके अंदर इसका अगर डेराइव की अगर बात करें अपन एस एन, तो बच्चों ये बनता है ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, क्या बनता है, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, या फिर एक फॉर्मूला और बनता है बच्चों, इसका टारगेट मैं आपको बता देता हूं, ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, हाँ जी ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन क्या बनता है, वन माइनस आर, इस तरीके का फॉर्मूला बनता है, ये यहां तक इस मंजिल पे जाएगा, इसलिए एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट मैंने इसके अंदर किया, हाँ जी इसके अंदर एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट मैंने अंदर कर रहा हूं, इसका रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं कि रिजल्ट क्या है, ए तो बच्चों बाहर ही रहेगा और इधर क्या वन माइनस आर, किसका फॉर्मेट बनेगा, वन माइनस आर, नीचे क्या आता है, वन माइनस आर आता है या आर माइनस वन आता है, दोनों में से एक चीज आता है, तो इस लाने की वजह से इस कंसेप्ट तक पहुंचने के लिए मैंने एक छोटा सा काम कर लिया, क्या के एसएन जो है, हाँ जी एसएन जो है इसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने बच्चों आर से, सुनना ध्यान से, जो एसएन जो है उसका मल्टीप्लाई किससे कर दिया बच्चों, आर से, ये एसएन दे रखा है इसका मल्टीप्लाई कर दिया आर से और लिखा बच्चों आर एसएन, ये जो टर्म दे रखी है ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा हूं, क्या फॉर्मेट है, जो एस एन है ना उसका मल्टीप्लाई कर दिया आर से, तो बच्चों ए बार आ गया, ये आर दे रखा है तो बच्चों आर प्लस आर इंटू आर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर आर क्यूब प्लस आर की पावर फोर प्लस एंड सो ऑन, बच्चों आखिरी टर्म जो आएगी वो बनेगी आर की पावर एन, पर बच्चों इससे जस्ट एक पहले बच्चों इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगी, पर इससे जो पहले वाली टर्म होगी वो होगी बच्चों आर की पावर एन माइनस टू, आर की पावर एन माइनस टू होगी और उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे आर से तो वो आएगी आर की पावर एन माइनस वन, हाँ जी ये समझ में आया क्या, कुछ नहीं किया आर से मल्टीप्लाई किया, फटाफट एक बार रिप्लाई कर दीजिए, क्या ये समझ में आया क्या बच्चों, ये एस एन है ना उसका मल्टीप्लाई मैंने आर से कर दिया, उस एसएन का मल्टीप्लाई मैंने आर से कर दिया, इसके अलावा कुछ नहीं किया, ये अलग है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पड़ी हुई है, ये एज इट इज रखा, कोई कहेगा सर क्या किया, कुछ नहीं किया मैंने, इसका मल्टीप्लाई किससे किया आर से, तो बच्चों आर एसएन बना, क्या बना आर एसएन, ए बार है, वन इंटू आर 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 इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब आर क्यूब इंटू आर आर की पावर फोर, बच्चों इधर यहां पर एक टर्म होगी इससे पहले वाली आर की पावर एन माइनस टू, उससे जब आर का होगा तो यह आएगा और जब इससे जब आर का होगा तो ये आएगा, चलो बच्चों आगे, उम्मीद करता हूं 100% समझ में आ गया होगा, अब एक छोटा सा काम किया, हाँ जी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और जो इक्वेशन नंबर सेकंड बनी है बच्चों फॉर्मूला मैं रटवा दूंगा, मेरे को आज तक इसका फॉर्मूला नहीं आता है बच्चों, फॉर्मूला नहीं रटना है, कंसेप्ट बनाना है, हाँ जी आ जाइए, क्या करे छोटा सा काम करे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस सेकंड, सर माइनस क्यों किया, प्लस कर लेते बच्चों, ये जा रहा है इसको रोकना है कैसे भी करके बच्चों, इसमें और इसमें टर्म जो कॉमन है ना उसको कटिंग करना चाहता हूं, उनको हटाना चाहता हूं, तो माइनस करना ही फायदा है, जोड़ूंगा जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक सीरीज में दूसरी सीरीज जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगा, नई सीरीज आ जाएगी बच्चों, मुझे एक सॉल्यूशन चाहिए उसका किसी भी तरीके से, इसलिए इसमें से इसको घटाऊंगा ताकि आर से आर खत्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, आर क्यूब से आर क्यूब खत्म, इस तरीके का फॉर्मेट बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो बच्चों क्या किया, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया, फर्स्ट माइनस सेकंड, हाँ जी फर्स्ट माइनस सेकंड के ऊपर लौटे तो क्या आ जाएगा, एस एन तो बच्चों बाहर आ जाएगा और ये बनेगा वन माइनस आर, एस एन बच्चों बाहर और कितना हो गया, वन माइनस आर, अच्छा दोनों में से कॉमन देखो बच्चों ए है, अच्छा वन में से वन तो कटेगा है नहीं, वन तो आ गया,
आर माइनस आर जीरो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जीरो, आर क्यूब माइनस आर क्यूब जीरो। अच्छा ये बच्चों कहां तक चलेगा, तो आर की पावर एन माइनस वन से आर की पावर एन माइनस वन तक खत्म हो जाएगा, यहां तक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, आर की पावर एन, एक ही टर्म बचेगी। अच्छा इधर से और किसी को कोई गुंजाइश लग रही है कि सर ये बच जाएगी, तो वो अपना विचार विमर्श कर सकता है मेरे साथ। सर ये टर्म बच्चों आर की पावर एन माइनस वन से आर की पावर एन माइनस वन तक, यहां तक सारी टर्म कौन सी, यहां से लेके ये पूरे का पूरा ब्लॉक इसके अंदर है और ये है, तो इस पूरे से पूरा कटेगा, यानी वन माइनस कितना आर की पावर एन, वन माइनस कितना बच्चों आर की पावर एन, ये बचेगा। और भी किसी को डाउट लग रहा है कि सर और कोई टर्म बच सकती है, किसी के दिमाग में आ रही है, तो वो कमेंट करके बता सकता है। चलिए हाँ जी फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं। अपने को क्या चाहिए, एसएन, एसएन क्या है, सम ऑफ एन टर्म, क्या बनेगा ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन कितना बनेगा वन माइनस आर, यानी क्या बन के आया, एस एन इक्वलेंट बना बच्चों ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन क्या बनेगा वन माइनस आर, फॉर्मेट ये आ जाएगा। हाँ जी फटाफट रिप्लाई दीजिए, क्या ये समझ में आ गया क्या 100%। फॉर्मेट को थोड़ा सा बदलाव करके लिख देते बच्चों, ये फॉर्मूला याद रखना है क्या, सम ऑफ एन टर्म, हाँ जी ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ये क्या है बच्चों एस एन। अच्छा कभी कभी एस एन का फॉर्मूला ये भी होता है, ए माइनस ऊपर से बार आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, आर माइनस वन ये भी होता है, ये भी होता है, बिल्कुल हिनी सिंह ये भी ले सकते हो, ये भी कुछ नहीं किया, ये भी काम लोगे तो भी हो जाएगा, ये भी काम लोगे तो भी हो जाएगा। पर क्या होता है कि इसके अंदर एक प्रॉब्लम रहती है, प्रॉब्लम ये है कि ये काम करता है आर लेस देन वन के लिए, ये काम करता है बच्चों आर लेस देन वन के लिए, और ये काम करता है आर ग्रेटर देन वन के लिए। और क्यों करता है, अब ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा यहाँ क्या, कि अगर आर अगर वन से छोटा होगा तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, वन माइनस छोटा तो पॉजिटिव, और अगर आर वन से बड़ा होगा तो ये बढ़िया है, क्या वन से बड़ा जैसे थ्री हो गया टू हो गया तो ये बड़ा, ठीक है। पर अपन को तो कुछ करना ही नहीं है, अपन को इतना दिमाग ही लगाना, कोई सा भी अप्लाई कर दो सब सही, ये भी सही है ये भी सही है दोनों सही, फॉर्मूला याद रहेगा तो सबसे बड़ी बात होगी। एसएन नहीं याद रहे तो बनाए कैसे, वो याद रख लीजिए। हाँ जी ये मेथड भी है, आगे जाके एक क्वेश्चन भी करना है अपन को, ये एक ऐसा फॉर्मेट जो एक क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेगा आगे जाके, इस तरीके के फॉर्मेट के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे, तो उसको रेडी करना है। एसएन इक्विवेलेंट ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ये फॉर्मेट आपका चलेगा। हाँ जी चलिए फिर फॉर्मेट को आगे बढ़ा रहा हूं बच्चों। एपी के अंदर एक कंसेप्ट नहीं होता था, एक कंसेप्ट इसके अंदर एक्स्ट्रा है, और वो है बच्चों आपका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। हाँ जी क्या बच्चों, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, नाम से समझ में आ रहा है। अच्छा एपी में ये नहीं होता था, एपी में बच्चों ये नहीं था, उसके अंदर एन टर्म था कि का लॉजिक ही है। आज जीपी के अंदर एक लॉजिक है अपने पास, वो है सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म का ही एक नया वर्जन आया और उसको बोला सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, फाइनाइट नहीं, क्या है बच्चों इनफाइनाइट, यानी एक सीरीज है बच्चों जिसका नाम है ए वन ए टू, या फिर ऐसे कर लीजिए बच्चों ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस एंड सो ऑन, रुकना नहीं है, कहां तक जाएगा इनफाइनाइट, कहां तक जाएगा इनफाइनाइट तक का सम चाहिए। अब बच्चों अपन को इनफाइनाइट तक टारगेट तो ये है, मंजिल ये है, फॉर्मेट यहां तक जाना है आपको, हाँ जी यहां तक जाना है, ये रास्ता है, ये फॉर्मेट है। मैंने एक छोटा सा काम किया, एसएन निकाल सकता हूं मैं इसका, एसएन यानी ए वन प्लस चाहिए क्या, एस इनफाइनाइट, एस इनफाइनाइट चाहिए, मैंने इसमें से एसएन निकाल दिया, क्या ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस कहां तक बच्चों, एस एन यानी ए एन तक, यहां तक निकाल दिया। और इसको अपन ने अभी अभी सोल्व किया था, एस एन इक्वलेंट क्या था बच्चों, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस लास्ट एंड फाइनल कितना बच्चों, ए आर की पावर एन माइनस वन तक। और इस एस एन का मीनिंग क्या आया था बच्चों, ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ये आया था, ये एसएन आया था। एक छोटी सी बात है बच्चों समझना, फिर फॉर्मेट को आगे बढ़ाते। अगर मैं आपको यह बोलूं कि एसएन है, क्या है बच्चों एसएन, और इस एसएन के ऊपर लिमिट लगा दूं, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट किसके ऊपर, एसएन के ऊपर,
तो एल बराबर बन जाएगा एस इनफाइनाइट। बोलो हाँ, समझ में आया क्या ये चीज? क्या किया, छोटा सा काम किया बच्चों? हाँ जी, सारे आप अच्छे बच्चे हो, लिमिट को समझते हो, आपने मैथ पढ़ी हुई है, तो मेरे को ये उम्मीद नहीं भाई आपको लिमिट नहीं आती होगी। मेरे को ये भाई आपको हाँ भरनी पड़ेगी, सर लिमिट आती है सर हमको। जल्दी से फटाफट, क्या ये मैंने कुछ लिखा समझ में आया क्या सबको? लिमिट आपने देखी हुई है, कोई आर्ट्स के बच्चे नहीं हो आप, थोड़ा सा लेवल है, लिमिट देखी हुई है, लिमिट देखी हुई तो हाँ भरनी पड़ेगी आपको सर। हाँ ठीक है। हाँ जी, एसएन था, एसएन पे लिमिट लग गई, एन टेंस टू इनफाइनाइट, एक्स टेंस टू होती है। अरे एक्स का क्या, अब तो छोड़ने पड़ेंगे, एक्स वाई सब जाना पड़ेगा, अपन को तो खेलना आना चाहिए बच्चों, मैथ से खेलना सीख रहा हूं। हाँ जी, एन टेंस टू लगाओगे तो एन की लिमिट, एक्स टेंस टू लगाओ एक्स की लिमिट, वाई टेंस टू लगाओगे वाई की लिमिट। अच्छा, एन टेंस टू इनफाइनाइट किसके ऊपर? एस एन के ऊपर, एस इनफाइनाइट आ जाता है। क्या आ जाता है? एस इनफाइनाइट आ जाता है। एल बराबर एस इनफाइनाइट, एल बराबर एस इनफाइनाइट। हाँ जी, तो क्या करे? अरे कुछ नहीं करना है, जो एस एन आया है ना, जो एस एन आया है ना, उस एस एन के ऊपर लिमिट लगा दो, कितनी? इनफाइनाइट। यानी कंसेप्ट बना, क्या बना? एल बराबर लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, और दे रखा है बच्चों एस एन, एस एन कितना? ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। अच्छा बच्चों, जब लिमिट लगाने गए, लिमिट लगाने गए, लिमिट लगाने गए तो ए बाहर वन माइनस आर। बच्चों लिमिट किस पे लगती है? जिसकी लिमिट जहां होगी वहां लगेगी, जिसकी लिमिट है ना जहां होगी वहां लगेगी, बाकी तो कोई काम ही नहीं बचा। ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, ए क्या है? एक वैल्यू है। आर क्या है? एक वैल्यू है। क्या वहां लिमिट लगेगी? क्या नहीं लगेगी, जहां एक्स होता है वहां लिमिट लगती। अगर बच्चों ऐसा लिखा कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और साइन एक्स अपॉन एक्स, ऐसा लिखा तो लिमिट कहां लगेगी? जहां एक्स है, साइन जीरो लगेगा, जीरो लगेगा, जीरो अपॉन जीरो बनेगा। पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, पूरा कैलकुलस में चलेगा, हर चीज बताएंगे आपको। हाँ जी, छोड़ो उसको, जहां लिमिट है वहां लगेगा, मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूं। यानी वन पे भी लिमिट नहीं लगेगी, माइनस आर, आर आर की पावर कितना? इनफाइनाइट। आर की पावर इनफाइनाइट, कंसेप्ट यहां तक पहुंचा। हाँ जी, कहां तक पहुंच गए अपन? इस फॉर्मेट को आगे बढ़ा रहा हूं मैं, फॉर्मेट को सेट करना। हाँ जी, पूरा फॉर्मेट ये आ जाएगा, समझना इस चीज को। इस फॉर्मेट को मैं आगे ले रहा हूं बच्चों, इधर। हाँ जी, एल बराबर कितना? ए अपॉन वन माइनस आर, और वन माइनस आर की पावर इनफाइनाइट। यह आके बच्चों फंस गए, यहां आके फंस गए अपन। अब मैं जो आपके सामने कंसेप्ट रखना चाह रहा हूं, थोड़ा आपका साथ चाहिए, और थोड़ा कंसेप्ट बनाना क्या है बच्चों। एक चीज लिखी मैंने कि टू की पावर इनफाइनाइट, समझना, टू की पावर इनफाइनाइट। अच्छा, इसका मीनिंग तो आप जानते हो, टू की पावर इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ? टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। अच्छा थोड़ा साथ देना, टू इंटू टू फोर, फोर इंटू टू एट, 8 इंटू टू 16, 16 इंटू टू 32, 32 इंटू टू 64, 64 इंटू टू 128, 128 इंटू टू 256, 256 इंटू टू 512, 512 इंटू टू 1024, 1024 इंटू टू 2048। बच्चों धीरे 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 वैल्यू क्या हो रही है? वाइड हो रही है। अरे कहां तक जाना है? इनफाइनाइट तक जाना है। मंजिल कहां है? कभी रुकेगा क्या? टू की पावर 100 होता तो अपन बोलते आंसर आ जाएगा। अरे बच्चों टू की पावर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, कहां जाएगा? जाएगा जाएगा जाएगा। अभी तो कितनी हुई? 2048 हुई, फिर कितनी होगी? 4096 होगी। क्या रुकेगा क्या? नहीं, कितनी बड़ी होगी एकदम। अभी तो ऐसी है, चार डिजिट है, फिर धीरे 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 वैल्यू बढ़ती जाएगी, कितनी बड़ी। एक समय ऐसा होगा कि वो क्या इतनी बड़ी हो जाएगी जिसको इनफाइनाइट बोल देंगे, तो इसका आंसर आएगा कितना बच्चों? इनफाइनाइट। क्या सहमत हो क्या इस बात से? फटाफट दूसरा कंसेप्ट आपके सामने रखने वाला हूं मैं, क्या मेरी इस बात से सहमत हो क्या? जल्दी से फटाफट रिप्लाई कर दीजिए। चलिए बच्चों, टू की पावर इनफाइनाइट,
टू की पावर इन्फाइनेट, मैं आपको लिमिट में सिखाऊंगा, वन की पावर इन्फाइनेट किस दुनिया में वैल्यू है, वन की पावर इन्फाइनेट की वैल्यू है इस दुनिया में, वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन, वन नहीं हिल रहा है, वो नहीं हिल रहा है, उसकी वैल्यू भी है, वो भी सीखेंगे अपन, पर अभी एक तो ये सीखा, एक छोटा सा कंसेप्ट और सीख रहे अपन, वो भी तैयार करना, फिर इधर आंसर पे आते हैं अपन। वन अपॉन टू की पावर इन्फाइनेट, अच्छा वन अपॉन टू का मतलब हुआ बच्चों वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन टू, पॉइंट मत समझ लेना, ये बन रहा है बच्चों। अच्छा बच्चों वन अपॉन टू का मतलब क्या हुआ, 0.5 इंटू 0.5, पॉइंट नहीं लगा रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू एंड सो ऑन। अब थोड़ा साथ और देना पड़ेगा, हाँ जी पॉइंट ऊपर वाले में क्या इंटू लगा दो, अगर कंफ्यूज होते इंटू इंटू इंटू, अगर कोई कंफ्यूज होता है, वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन टू, ये अच्छा वन अपॉन टू का मतलब 0.5, थोड़ा साथ देना आपको, थोड़ा सा साथ मांग रहा हूं आपसे, मजा आ जाएगा पढ़ने में, हाँ जी 0.5 बच्चों, 0.5 इंटू 0.5 0.5 इंटू 0.5 तो 0.25 0.5 इंटू 0.5 0.25 अच्छा 0.25 इंटू 0.5 0.25 इंटू 0.5 यानी 0.125 बच्चों 0.125 इंटू 0.5 यानी 0.0625, क्या सहमत हो क्या, हाँ जी गलत जा रहे हो आप, अजय पापा सुनो 0.5 इंटू 0.5 0.5 इंटू 0.5 125, कहां जा रहे हो कहां जा रहे हो, मल्टीप्लाई करना गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी, ठीक है ना, जल्दी जल्दी बच्चों फटाफट सहमत करो मेरी बात को, वापस आओ वापस आओ, 0.5 इंटू 0.5 0.5 इंटू 0.5 बच्चों कितना आएगा, 25 आएगा, 12 पॉइंट यहां लगेगा, मल्टीप्लाई करना आपको बहुत अच्छी तरीके आता है, उम्मीद लगा रहा हूं समझ में आ जाए, 0.5 बच्चों कितना, 125 आएगा, 1 2 3 ये आएगा, 0.125 बच्चों पहले आया, पहले था 0.5, जब दो नंबर मिले तो बना 0.25, जब तीन नंबर मिले तो बना 0.125, जब चार नंबर मिले तो बना 0.0625 बच्चों, एक तरफ जब टू था ना, एक तरफ जब टू था ना तब वो बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, इसको ध्यान से देखो घट रहा है, घट रहा है बच्चों, 0.5 था जब एक नंबर था, जब एक नंबर था तो 0.5 था, ये नंबर था आपका क्या था बच्चों, 0.5 था, जब दो नंबर का मल्टीप्लाई हुआ 0.25 हुआ, चलिए एक बार इसको बंद कर देते हैं, कंफ्यूज कर रहा है, हाँ जी आ जाइए वापस आइए, क्या बोल रहा हूं मैं बच्चों, 0.5 था फिर 0.25 था, कम हुआ 0.5 बड़ा होता है 0.25 से, फिर बच्चों 0.125 हुआ, इससे ये और छोटा है, ध्यान से देखो ये बच्चों 12 आ गया, ये 25 है, ये 5 है, अच्छा 0.625 0.625 होता तो बड़ा हो जाता, 0.0625 है, अच्छा अब और जाओगे तो फिर और जाना है, मंजिल तो ये है नहीं, चलते जाइए कम हो जाएगा, एक समय ऐसा होगा, एक समय ऐसा होगा ये नंबर 0.00000, क्या समझ में आ गया क्या, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, मैं इसको क्या लिख दूं, आपका अगर अधिकार क्षेत्र में आता है तो ये नंबर ऐसा आएगा, लास्ट तो 5 आएगा, लास्ट तो 5 आएगा, 5 पे लास्ट तो 5 आएगा, क्या लिखूं मैं आपको बोलना है, 0 वेरी गुड मजा आ गया, हाँ जी कितना 0.00000000, ये रूल बन रहा है, लिमिट में पढ़ाऊंगा सब, पर अभी मेरे को जरूरत है आपका, हाँ जी 0.00000000, इतने जीरो आ जाएंगे बच्चों, इतने जीरो आ जाएंगे, एंड ही नहीं होगा, फिर लास्ट में कहीं 5 चमक रहा होगा तो उसको ज्यादा बढ़िया है 0 ही बोल दो, 0 है नहीं है, पर इधर भी तो इन्फाइनेट कहां था,
इधर भी तो इनफाइनाइट नहीं था ना, कोई वैल्यू आएगी गुणा 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 गुणा, पर एक समय इतनी बड़ी वैल्यू आ जाएगी कि बंदा हिम्मत हार जाएगा, हार जाएगा हिम्मत, अरे छोड़ो ये वैल्यू तो बहुत बड़ी है, क्या है अनंत। वैसे ही इसके अंदर भी बंदा हिम्मत हार जाए, कितने जीरो लिखूं मैं, अभी तो इतने सारे लिख दिए बच्चों, कितने लिखूं कितने लिखूं, तो एक समय मैं भी हिम्मत हार जाऊंगा और बोलूंगा ये तो जीरो के बराबर ही है, लगभग जीरो, अप्रोक्सीमेट जीरो। क्या समझ आ गया क्या? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, जिन्होंने जीरो रिप्लाई दिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने जीरो रिप्लाई नहीं दिया क्या सहमत हो क्या इस बात से जो दे रहे और मेरे से, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, इसका मतलब आंसर आएगा क्या बच्चों, जीरो। हाँ जी ध्यान से सुनना बच्चों, वन की पावर इनफाइनाइट, वन की पावर इनफाइनाइट, एक आखिरी केस और लिख रहा हूं, वन की पावर इनफाइनाइट मतलब वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन, मैंने तो एक वर्ड बोला है बच्चों कि वन की पावर इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। सात अजूबे होते हैं मैथमेटिक्स में, पढ़ेंगे अपन लिमिट में, पर एक अजूबा उनमें से वो भी है। पर बच्चों ये दुनिया कहती है कि वन को कितने भी बार गुणा कर दो आंसर कितना आता है, वन ही आता है, वन ही आता है। इसका आंसर कितना आएगा, वन आएगा, वन आएगा। पर जब अपन लिमिट में पढ़ेंगे तो पढ़ना भी पड़ेगा ये कि इनडिटरमिनेट फॉर्म मानना भी पड़ेगा, दोनों चीज है, वन की पावर इनफाइनाइट वन होता है और सोल्व करेंगे तो आंसर अलग भी आएगा, दोनों चीज आपको माननी पड़ेगी, दोनों चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये अजूबा है मैथमेटिक्स के अंदर एक। पर अगर वन से ऊपर वाले की पावर अगर इनफाइनाइट है, वन से ज्यादा वाले की पावर अगर इनफाइनाइट है तो उसका आंसर इनफाइनाइट आएगा। बच्चों इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसको छोड़ दो अभी, इसको मैं रोक रहा हूं, मैं खुद मना कर रहा हूं, इसको छोड़ दो, ये तो पढ़ेंगे अपन, ये तो सात अजूबों में से एक अजूबा है, इसको छोड़ दो। पर मैं एक बात और कह रहा हूं, क्या कि वन से ज्यादा की पावर अगर इनफाइनाइट आती है, थ्री की पावर इनफाइनाइट, फोर की पावर इनफाइनाइट, थ्री बाई टू की पावर इनफाइनाइट, 1.1 की पावर इनफाइनाइट, वन से ज्यादा वाले की पावर अगर क्या आती है, इनफाइनाइट आती है, तो आंसर कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। हा जी, पर अगर वन से कम वाले की पावर अगर इनफाइनाइट आती है, वन से अगर कम वाले की पावर अगर इनफाइनाइट आती, जैसे हाफ की पावर इनफाइनाइट, थ्री बाई टू की पावर इनफाइनाइट नहीं है, थ्री बाई टू का मतलब 1.5 होता है, हाँ जी, 1/3 की पावर इनफाइनाइट, 1/4 की पावर इनफाइनाइट, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आंसर कितना आता है बच्चों, जीरो आता है। इन दो कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए अपने कंसेप्ट पे एक बार वापस लौटते बच्चों, अपन छोटा सा बात कर रहा हूं, उस बात को एक बार सेटल करना। हाँ जी कंसेप्ट सामने रखा हूं बच्चों, एल चाहिए, एल क्या है, एल ध्यान से देखिए, एल क्या है, कहां पर फॉर्मेट में थे अपन, हाँ जी आ जाइए वापस कंसेप्ट में, क्या फॉर्मेट में थे, एल बराबर यह था बच्चों, एल क्या था, एल बराबर एस इनफाइनाइट है, एल बराबर क्या है यहां पर, एस इनफाइनाइट, एस इनफाइनाइट, एल बराबर एस इनफाइनाइट, टॉपिक का नाम क्या है, एस इनफाइनाइट चाहिए, क्या चाहिए, एस इनफाइनाइट, एस इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, सम ऑफ एंट्रम, सम ऑफ एंट्रम, सॉरी सम ऑफ इनफाइनेट्रम, एल चाहिए, एल बच्चों एस इनफाइनाइट बनेगा, एस इनफाइनाइट क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनेट्रम बच्चों, ये बनेगा, आ जाइए एस इनफाइनाइट क्या आ गया बच्चों, एल कितना, ए अपॉन वन माइनस आर, ये तो कॉन्स्टेंट है बच्चों। अब आपका साथ चाहिए बच्चों, नंबर एक, पहली सिचुएशन मैंने लगाई कि अगर आर लेस देन जीरो हो या फिर आर लेस देन वन हो, जीरो घटा दो, अगर r 1 से छोटा है, अगर r 1 से छोटा है, आंसर देना आपको, अगर r 1 से छोटा है तो बताओ r की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी लिखूं, वेरी गुड, आज ये जीरो आ जाएगी, बिल्कुल क्या आ जाएगी इसकी, जीरो, और अगर जीरो आएगी तो 1 माइनस जीरो ये 1 होगा और फॉर्मूला बनेगा a अपॉन 1 माइनस आर, एस इनफाइनाइट a अपॉन 1 माइनस आर, क्या शर्त, r लेस देन 1, हाँ जी एस इनफाइनाइट, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छा साथ मिल रहा है आपका, हाँ जी एस इनफाइनाइट ए अपॉन वन माइनस आर, कब, जब आर क्या हो, लेस देन वन हो, आर क्या हो, लेस देन वन हो। पर बात होती है बच्चों अगर आर, दूसरा केस, केस नंबर दो को अगर जनरेट करें अपन, केस नंबर दो बन रहा है आर ग्रेटर देन वन, आर ग्रेटर देन वन, वन पे तो काम ही नहीं होगा,
वन पे काम नहीं होगा, ध्यान से सुन लेना, वन पे काम नहीं होगा। हाँ जी, आर ग्रेटर देन वन, आर ग्रेटर देन वन का मतलब वन से बड़ा, और वन से बड़े की बात करें तो बच्चों वन से बड़े पे आंसर कितना आएगा, आर की पावर इनफाइनाइट का आंसर आएगा इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड आएगा। हाँ जी बिल्कुल, आप कह रहे हो नेगेटिव आएगा, पर आएगा क्या, नेगेटिव तो ओवरऑल आएगा ठीक है, पर इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। नेगेटिव के लिए तो फिर आपके पास फॉर्मूला भी अलग था, याद करो पिछली स्लाइड में पढ़ा अपन ने, ये आर लेस देन वन और आर ग्रेटर देन वन, वो तो माइनस अरेंजमेंट कर लेगा, नेगेटिव का कोई रोल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव ऊपर आ रहा तो नेगेटिव तो नीचे भी तो आ रहा है। आर बच्चों वन से बड़ा है तो नेगेटिव इधर आ रहा है तो इधर भी आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, वो तो कट पिट के उनका तो वो काम हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। आर की पावर इनफाइनेट, आर वन से बड़ा, टू की पावर इनफाइनेट कितना आएगा, इनफाइनेट आएगा। अच्छा माइनस इधर से भी कॉमन, माइनस इधर से भी कॉमन, कुल मिला कुछ भी कर लो इनफाइनेट आ गया बच्चों। और अगर क्वेश्चन के अंदर अगर इनफाइनेट घुस गया ना, फिर उसका मल्टीप्लाई कोई भी वैल्यू, ए एक वैल्यू है, आर एक वैल्यू है, वो सारी एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस एल का आंसर आएगा इनफाइनेट। क्या सहमत हो क्या मेरी बात से, इसका आंसर आएगा इनफाइनेट, नॉट माइनस इनफाइनेट, माइनस इनफाइनेट नहीं, रीजन में दे रहा हूं बच्चों, माइनस यहां से भी कॉमन, माइनस नीचे से भी कॉमन। आर वन से बड़ा है, आर वन से बड़ा है तो मैं एक बात कह रहा हूं, आर अगर वन से बड़ा है ना तो केस जनरेट ऐसे हो रहा है, जल्दी जवाब आना चाहिए। तो बच्चों क्या आया, एल यहां पर एस इनफाइनेट, और क्या बच्चों एल कितना आया, इनफाइनेट आया, कितना आया इनफाइनेट। मैथ में सब आ जाए, मैथ में पूरा ब्रह्मांड आ जाए बच्चों, इनफाइनेट नहीं आना चाहिए, मतलब ये केस नॉट डिफाइंड, ये केस क्या है बच्चों, नॉट डिफाइंड, ये इस दुनिया के अंदर पॉसिबल नहीं है। मतलब सर समरी क्या निकली इस पूरे कंसेप्ट की, इस पूरे कंसेप्ट की मैं एक समरी पे ऊपर आ रहा हूं, एक बार इसको छोड़ते, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा आपके तो बात करेंगे। आज टॉपिक का नाम था सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, क्या था बच्चों, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। तो इसके लिए किस पे गए, एसएन, एसएन क्या होता है, ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ये होता है बच्चों। एल चाहिए, एल मतलब लिमिट, लिमिट टारगेट क्या है अपन को, एस इनफाइनाइट चाहिए, ये चाहिए बच्चों। अच्छा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट किसके ऊपर बच्चों, एसएन के ऊपर। एल बराबर क्या, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट किसके ऊपर बच्चों, एसएन के ऊपर, ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ये बन गया। अच्छा एल बराबर अगर बनाए, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट अगर ये बनाए तो कितना बनेगा, तो एक शर्त है क्या, आर वन से छोटा होना चाहिए, आर वन से छोटा होना चाहिए, तो ए अपॉन वन माइनस आर बनेगा, और इसी का नाम क्या होता है, एस इनफाइनाइट। सर अगर आर वन से बड़ा बन गया तो बच्चों इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है, एक की बात कर रहा हूं, दुनिया में पॉसिबल नहीं है बच्चों, पॉसिबल ही नहीं है। आर अगर वन से बड़ा है तो नहीं बनेगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो क्या फॉर्मेट है बच्चों। अगर क्वेश्चन है कि वन प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन एट प्लस वन अपॉन सिक्सटीन प्लस एंड सोन, ये बन रहा है। ए बताओ वन आएगा, आर बताओ हाफ आएगा, अपन से पूछा एस इनफाइनाइट बताओ, क्या बताओ, एस इनफाइनाइट। फॉर्मूला क्या बनता है, ए अपॉन वन माइनस आर। अभी याद होगा रिविजन में कोई कुछ नहीं है, रिविजन है ही नहीं है मेरी क्लास का, कोई रिवीजन, रिवीजन भी मैं ही कराऊंगा, सब कुछ मैं उस क्लास के अंदर सब कुछ करवाता हूं। एस इनफाइनाइट अगर आपने मेरे साथ में मेहनत करी है तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, लाया कहां से, हर चीज में आपको बताऊंगा लाया कहां से, कोई फॉर्मूला है तो वो पैदा कहां से हुआ, उसका जन्म कहां से हुआ, जब तक उसकी जन्म स्थिति नहीं समझोगे तब तक रट रट के बच्चों। मैथ बहुत है, मैथ बहुत है, मैथ कोई एक टॉपिक या दो टॉपिक नहीं, फॉर्मूला याद कर लिया और बच्चों भूल गए, नहीं मजा नहीं आएगा। आज एस इनफाइनाइट ए अपॉन वन माइनस आर, अब याद होगा नहीं होगा, अरे बच्चों जब इसको निकालने के लिए, जब इसका जन्म करवाने के लिए, जब इसको पैदा करने के लिए अगर अपन ने मेहनत करी है, कंसेप्ट लगाए, सो कंसेप्ट मिला के फिर इसका जन्म हुआ है, तो फिर फॉर्मेट याद हो जाएगा बच्चों, अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। हाँ जी एस इनफाइनाइट ए अपॉन वन माइनस आर, एक शर्त बोली मैंने, आर वन से छोटा होना चाहिए, क्या इसका आर वन से छोटा है क्या, यस, तो फॉर्मूला परफेक्ट है, एस इनफाइनाइट बराबर ए वन अपॉन वन माइनस आर, ये आ जाएगा, यानी एस इनफाइनाइट बराबर वन माइनस हाफ बच्चों हाफ आएगा, बच्चों टू पर जाएगा, एस इनफाइनाइट बराबर टू होगा।
अच्छा बच्चों, नॉर्मली अगर इसको जोड़े, अपन जोड़ने बैठे इस नंबर को, नॉर्मली जोड़े, जैसे देखो वन में कितना जोड़ा, हाफ, तो थ्री बाय टू, थ्री बाय टू में वन बाय फोर जोड़ा तो कितना, वन बाय टू प्लस वन बाय फोर, यानी कितना हो गया 1.75। अब बच्चों इसमें जुड़ता जाएगा, आप सोचोगे यार बहुत बड़ी वैल्यू जुड़ रही है, अरे नहीं जुड़ रही है, बहुत कम वैल्यू जुड़ रही है, छोटी 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 वैल्यू जुड़ के आखिरी तक जोड़ देंगे तब भी कितना आएगा, टू ही आएगा, तब भी आपका कितना आएगा, टू ही आएगा, फॉर्मेट आपका ये बनेगा। अब अगर यही आर अगर वन से बड़ा होता तो नहीं चलेगा, आर अगर वन से बड़ा होगा तो नहीं चलेगा, बात आपको सेट करनी। पर एक बच्चा बोलता है कि सर अगर आर वन से बड़ा तो नहीं चलेगा, आर वन से छोटा तो नहीं चलेगा, पर अगर आर बराबर वन हो गया तो, बच्चों अगर क्वेश्चन ये ले लिया तो समझो, वन प्लस टू प्लस फोर प्लस एट प्लस सिक्सटीन प्लस थर्टी टू प्लस, ये सीरीज चल रही बच्चों, ये तो आपने सर बताया कि ये सर जीपी है, इसका इन्फाइनेट टर्म का सम निकाल दो सर, एस इन्फाइनेट, मैंने फॉर्मूला लगा दिया ए अपॉन वन माइनस आर, मेरी मेरी समझ नहीं थी, मैंने ये लगा दिया, ए कितना है बच्चों, वन है, आर कितना है बच्चों, टू है, ये बन गया। अच्छा एस इन्फाइनेट बराबर ए वन अपॉन वन माइनस आर, ये हो गया एस इन्फाइनेट बराबर वन अपॉन माइनस वन, यानी एस इन्फाइनेट बराबर कितना हो गया, माइनस वन। बच्चों ब्रह्मांड का कोई सा भी फॉर्मूला हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे किसी का भी हो, चाहे आपने बनाया हो, चाहे मैंने बनाया हो, वो लॉजिक के विरुद्ध नहीं जा सकता, जो प्रकृति है उसके विरुद्ध नहीं जा सकता। प्रकृति क्या कहती है सुनो, प्रकृति ये कहती है कि एक में अगर दो जोड़ोगे तीन आ जाएगा, तीन में चार जोड़ोगे बच्चों सात आएगा, सात में आठ जोड़ोगे पंद्रह आएगा, और ये क्या कह रहा है, माइनस वन आएगा। अरे ऐसा क्या चमत्कार हो रहा है आगे, ऐसा क्या इस सीरीज के अंदर चमत्कार हो रहा है कि आंसर क्या हो गया, माइनस हो गया। कहीं आपको फीलिंग आ रही है क्या बच्चों कि आगे जाके सीरीज माइनस की हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब ये कंसेप्ट क्या है, सरासर क्या है बच्चों, गलत है। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट किसके लिए बना हुआ है, ये कंसेप्ट ओनली फॉर आर लेस देन वन के लिए बना हुआ है। अगर आर लेस देन वन है तो ये कंसेप्ट सही है, अगर आपने आर ग्रेटर देन वन के लिए लगा दिया तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ एक चीज और, कि अगर बच्चों मैं आपको ये बोलूं कि आर बराबर वन है, अब थोड़ा सोचो आर बराबर वन कब आएगा बच्चों, क्वेश्चन ऐसा होगा टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस, ऐसे तो होगा। अच्छा जो पिछला जो एस एन था ना वो भी इसके लिए नहीं था, एस एन में भी अगर वन होता तो गड़बड़ हो जाएगी, आर अगर वन हुआ तो गड़बड़ होगी। तो अगर ऐसी सीरीज है तो सर ये जीपी नहीं होगी फिर, तो कि सर अगर आर वन आ जाए तो जीपी नहीं होगी। क्या हो रहा है सर, स्क्रीन अटक रही है? हाँ जी चेक कीजिए भाई, एक बार टेक्निकल टीम चेक कीजिए, बच्चे बोल रहे हैं कि स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है, अब चेक करो बच्चों। अच्छा भव्या कह रही है दिक्कत आ रही है, कृति कह रही है नहीं आ रही है, चलो अब देखो एक बार, अब देख लो, कोई बात नहीं हो जाता है, चलते रहते हैं तो, मेरे यहां तो प्रॉपर चल रहा है बच्चों, मेरे स्टूडेंट पैटर्न पे भी सही चल रहा है। और भविया 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 रिप्लाई करो, भविया आप चेक करो, पहुंच रहा हूं, पहुंच पा रहा हूं नहीं पहुंच पा रहा हूं मैं, नहीं पहुंच रहा हूं। आज एक बार बंद करके एक बार स्टार्ट करो, रिफ्रेश मारो भविया, एक बार बिल्कुल बाहर आ जाओ, ऐप से बिल्कुल बाहर आ जाओ, फिर स्टार्ट करो, थोड़ा सा जल्दी करना बेटा। हाँ जी बाकी सब रिप्लाई दो बच्चों, समझ में आ रहा है क्या, जल्दी से। ट्रिग्नोमेट्री के दो पार्ट में डाल चुका हूं बच्चों, दो पार्ट में डाल चुका हूं ट्रिग्नोमेट्री के, तीसरा पार्ट आज आ चुका है YouTube के ऊपर, तीसरा पोर्शन। अब तैयारी बच्चों पढ़नी है मैथ, तो चाहे वहां पढ़ लो चाहे यहां पढ़ लो, सारी चीजें एक जैसी है, ठीक है। एक दो दिन के अंदर मैट्रिक्स के पार्ट स्टार्ट हो जाएंगे, फर्स्ट पार्ट देख लिया सर, वेरी गुड। अजी उनको शेयर भी करना है, किसी भी एक स्टडी ग्रुप के अंदर बच्चों शेयर करना है बच्चों, जिसके अंदर 11 12th के बच्चे जुड़े हुए हो, एमसी एंट्रेंस के बच्चे जुड़े हुए हो, कोई भी बच्चा जिसके लिए काम आ सकता है। अच्छा समझ में आया क्या, फर्स्ट पार्ट देखा क्या, समझ में आ गया क्या 100%?
अजय पूछ रहा है इंस्टीट्यूट कब ओपन हो जाएंगे। देखो अब 2 तारीख से अगर ओपन हो जाए तो बढ़िया है, अगर 2 तारीख से ओपन नहीं हुए तो फिर ये मान के चलो 17 से होंगे। वो पूरे गाइडलाइन के ऊपर डिपेंड वाले बच्चों कुछ भी नहीं कर सकते इसके अंदर, तब तक ऑनलाइन ही साथ देना पड़ेगा आपका। हाँ जी, आज तीसरा पार्ट भी मैंने डाला है ट्रिग्नोमेट्रिक का, वो भी आपको देखना है बच्चों, थर्ड पार्ट जो है, और थोड़ा कमेंट कीजिए उसके ऊपर ताकि क्या रेटिंग वगैरह बढ़े। ये तो अपन चला ही रहे, ये फॉर्मेट तो चल ही रहा है अपना, ठीक है, और भी बच्चों को बोलो आप ताकि क्या उन तक भी पहुंचे। हाँ जी, भविया कहाँ गई? भविया एक बार चेक करो, वापस आए हो क्या लाइन में? चलो एक बार ये टॉपिक अपन खत्म कर लेते बच्चों, ठीक है। भविया एक बार और देख लेना आप, है ना, अगर पर्सनल इश्यू आ रहा है, ये टॉपिक खत्म कर ले ताकि फॉरवर्ड बन जाएगा बच्चों। अब इस सीरीज पे आओ एक बार, ये सीरीज है बच्चों, ये सीरीज है, तो ये एक ऐसी सीरीज है बच्चों जो एपी भी है, जीपी भी है और एचपी भी है, ये कॉमन है। ध्यान से देखे तो 2-2, 2-2, 2-2। अच्छा बच्चों, R1 कब आएगा? मैंने ये कंसेप्ट यहां रुका, R1 अगर 1 आ गया तो, R अगर 1 आ रहा है, चाहे वो जीपी है, चाहे वो एपी है, चाहे कैसी भी है, किसी भी तरीके का फॉर्मेट अगर बन रहा है, तो R अगर 1 आ रहा है, R1 कैसे? 2/2, फिर 2/2, फिर 2/2, R1 आए। अब बच्चों इसके अगर n टर्म का सम चाहिए तो SN बनेगा, और SN बनेगा 2n बनेगा, कितने 2 है, ये n है तो 2n बन जाएगा। अच्छा, ये जीपी से हुआ, एपी से हुआ, पता नहीं बच्चों, किसी से भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही तो बात, पर इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा। आप कहोगे सर फॉर्मूला लगा दो, क्या? SN बराबर n/2 प्लस 2a प्लस n-1 × d, तो चल जाएगा बच्चों इसके अंदर, क्योंकि d कितना आ रहा है, 0 आ रहा था, ये खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, और a कितना है, 2 है, तो 2n हो जाएगा। पर आप बोलते हो कि SN बराबर a और 1-r^n अपॉन कितना हो गया, 1-r, तो अब इसमें लिमिट लगानी पड़ेगी। आप चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, इसमें लिमिट लगानी पड़ेगी क्योंकि r की वैल्यू 1 है, तो बच्चों ऊपर कितना बना, 1-1 0 और 1-1 0, तो 0/0 फॉर्म बन गया, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या, अपने सिंपल लगा दो r। अच्छा, कोई आप बोलते हो कि सर ये जीपी है कि नहीं है, तो जीपी तो है पर फॉर्मूला काम नहीं करेगा। कुछ फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले के डिसएडवांटेज होते हैं, वो हर जगह पे काम नहीं करते, वो की वही चीज इधर है। क्यों? देखो आप भाई, r की जगह 1 लगाएंगे तो 1 की कोई भी पावर लगा दो आप, 1 की कोई भी n पावर लगा दो, 100 लगा दो, 200 लगा दो, 300 लगा, कुछ भी लगा दो बच्चों, 1-1 0 और 0/0 फॉर्म बनेगा, तो लिमिट से कंसेप्ट अटक गया, इसकी वजह से कंसेप्ट आपका रुक जाएगा। हाँ, अगर इसको आप डीएल हॉस्पिटल लगाते हो और सोल्व करते हो तो सोल्व हो जाएगा। कैसे बच्चों? ये बनेगा कितना, a और 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस n और r की पावर n-1 बनेगा, नीचे बनेगा बच्चों -1 -1 प्लस r की वैल्यू 1, 1 की पावर कोई भी लगा दो 1, तो वापस ये कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। है चीज वही है पर कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है, अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना, मैं कह रहा हूं फॉर्मूला नहीं लगेगा, फॉर्मूला नहीं लगेगा, कंफ्यूज मत होना फालतू का, क्योंकि ये बहुत सारी इमेजिनेशन बातें हैं जिसका कोई मतलब नहीं। तो सीरीज में अगर नंबर एक जैसा चल रहा है ना, तो एपी बना लो बच्चों, सबसे बढ़िया काम वही है, एपी परफेक्ट बैठेगा, एपी का फॉर्मूला परफेक्ट बैठेगा। पर अगर आप आके मेरे को बोलोगे सर आर बराबर 1 है, फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा जीपी का, तो नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चों इस सीरीज के अंदर एपी भी है, जीपी भी है और एचपी भी है, पूरा फॉर्मेट पूरे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ जी, यहां तक क्लियर है क्या? आज मैंने आपके सामने 3 कंसेप्ट रख दिए बच्चों। पहला कंसेप्ट, अगर जीपी है तो जीपी कब होती है, जब रेशो इक्वल होता है। हाँ जी, नंबर दूसरा कंसेप्ट, जीपी के एंड टर्म क्या होती है, ए आर की पावर एन माइनस वन। जीपी के एंड टर्म का सम बताइए, ए 1-r^n/1-r, या फिर ए इंटू r^n-1/r-1, दोनों सही, ठीक है। फिर क्या आया, एस इनफाइनिट आया, क्या आया बच्चों, एस इनफाइनिट। एस इनफाइनिट क्या होता है, एंड टर्म का सम, सॉरी एस इनफाइनिट क्या होता है, इनफाइनाइट टर्म का सम। इनफाइनाइट का सम क्या होता है, a अपॉन 1-r, और उसमें एक शर्त है, क्या शर्त है बच्चों, r 1 से क्या होना चाहिए, छोटा। अगर सर r 1 से बड़ा होगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। कौन सा, a अपॉन 1-r। एक बच्चा आके बोलता है कि सर r अगर 1 से बड़ा है तो a अपॉन r-1 कर दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। हाँ जी, आज जहां तक पढ़ाया पूरा समझ में आ गया क्या, 100%? हाँ जी, बाकी YouTube पे थोड़ा बच्चों आपको साथ देना है, एप्लीकेशन के ऊपर तो मैं रेगुलर आ ही रहा हूँ, थोड़ा आपका साथ मिल जाए, आपके दोस्तों तक भी पहुंच जाए वो वीडियो वगैरह, ठीक है, ताकि और बच्चे भी ज्वाइन कर ले, स्वार्थ तो बिल्कुल मेरा है ही है बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा आपका साथ चाहिए, ठीक है, अगर देखोगे तो ज्यादा बढ़िया लगेगा मेरे को, ठीक बच्चों। चलो आज यही तक करते, भव्य आ गई क्या वापस?
चलो ठीक है, आज यहीं तक करते, ये तीनों टॉपिक तैयार कर लेना, ठीक है। कल मिलते हैं वापस, सॉरी कल तो संडे रहेगा, परसों मिलेंगे अपन। 1 से 2 तो आपकी कंप्यूटर क्लास रहेगी और 2 से 3 मेरी क्लास रहेगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।